लगातार आप दो दिन से ये सभा कर रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए बधाई। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लिखना, अखबार में लिखना, वो मौत को न्योता देने के बराबर है, और आप निडर होकर और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। पहले हमने भी तारीफ किया। साथियों, बात दो दिन में सारी बातें उभर कर आ गई, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें कुछ नया ऐड कर पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बात दो चार पांच दस मिनट में मैं बयान करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या जितनी गंभीर आपको दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ज्यादा गंभीर इसलिए है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें दो चीज का बहुत, दो खतरनाक चीज का गठजोड़ हो गया है। तो कहते हैं ना, करेगा ऊपर से नहीं चढ़ा, तो उसी तरीके से इस देश में एक व्यवस्था तो चलती आ रही थी और लेकिन अघोषित जो मनुस्मृति के विधान से चल रही थी उसका और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है। मनुवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया सीधा। दोनों में एक खास बात है कि दोनों लाभ लेना चाहता होता है। कैसे आपसे हम लाभ ले रहे हैं? आप मंदिर में जब जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं तो कभी कोई आपको मना नहीं करता कि चढ़ावा मत देना। तो दोनों की एक खास बात है कि वो लाभ लेता है और किसी को बांटता नहीं। पूंजीवाद कहता है वर्ग की बात मत करो, और ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद कहता है जाति की बात मत करो, बाकी सब बात करो। अभी मैं लगातार और मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि अरे और क्रांतिकारी बात की जाति में क्यों बात करते हैं? तो मैंने कहा है, जब मैं वर्ग की बात करता हूं तुम कहते हो कि मैं कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हो गया, जब जाति की बात करूंगा तो तुम्हारे पेट में मरोड़ूंगा, क्योंकि जाने अनजाने तुम उस व्यवस्था का लाभ लेते आ रहे हो। इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, जीविका है मेरा पढ़ाना, और पढ़ाने के अलावा आपके बीच इलाकदा जितना संभव हो सकता है आपके बीच रहता हूं। एक जो पहली बार जो मेरी समझ बन रही है इतिहास पढ़ने के साथ जाति को लेकर, कि कई जगह बात होती है जाति उन्मूलन करेंगे, अब मेरी समझ बन रही है कि हम अपना टाइम उसमें खर्चा नहीं करें। जाति बनाई किसने? हमने तो नहीं बनाई। अगर मैं ये बात बोलूं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उनको हम जानते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे जानता है कि नहीं जानता, इससे फर्क पड़ता है। तो जिसने जाति बनाई, खत्म करने की जिम्मेदारी उसी की है। वो तो मुझे मजा रहा है कि तुम जाति खत्म करने का आंदोलन करो, हम नहीं करेंगे आंदोलन। साथियों, जाति बनाई है ब्राह्मण सिद्धांतकारों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, और जब तक इस व्यवस्था से उनको लाभ मिलता रहेगा जातियां बनी रहेंगी। चाहे ये कहते हैं जन्मना है, जन्म के साथ निर्धारित होता है कि आप किस जाति में पैदा होंगे, और मरने के बाद तक आपकी जाति आपका नक्शा नहीं छोड़ती। ये सच्चाई है, ये सूरज चांद भले रहे न रहे जातियां यहां पर रहेंगी, ये तथ्य इस बात को हमको मान लेना चाहिए। तो जब जिस दिन इस जाति व्यवस्था से जो इसके सिद्धांतकार है उनको नुकसान होने लगेगा, उसी दिन समझिए जाति उन्मूलन का सबसे पुरजोर कार्यक्रम चलाएगा। कौन चलाएगा? वही ब्राह्मण सिद्धांतकार चलाएगा। जितना हो, कितने नेताओं ने आवाज रखी, उनके लिए आरक्षण
संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की बात क्या बात है, अब बताइए क्यों नहीं आपने क्या बात है। 70 साल हो गए जो प्रस्तावना है, बहुत कुछ टेक्निकल बात नहीं जानते हैं, वकील साहब बताएंगे संविधान की बारीकियों के बारे में। मैं सिर्फ 4 शब्द जानना चाहता हूं। मोहन भागवत कह रहे थे समीक्षा होगी आरक्षण की, मैंने एक लेख लिखा था बोला हम भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा खाली आदमी होकर नहीं आता, हमें भी आता है, हम भी समीक्षा करेंगे संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ। 4 शब्द है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। हम समीक्षा करेंगे कि 70 साल बाद क्यों हमारे पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं, क्यों हमें अधिकार सुरक्षित है, क्यों हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम भी समीक्षा। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि संविधान तो बन गया लेकिन जिनको चलाने वाले लोग थे उनके माथा पे जनेऊ लपेटा हुआ था, जनेऊ लपेटा हुआ था उनके माथा में। आपके आरक्षण में सबसे पहला आघात अभी बोले होंगे गौतम साहब लाल बहादुर शास्त्री ने किया था कि 3 बार कैंडिडेट निकले होते थे इसको ओपन कर दो। आप सोच लीजिए 40 साल में कितने सारे वैकेंसी आपके जो है वो ओपन करके जनरल कटे दिए। तो यह हम समझना है कि हमें देखिए हमें लड़ाई हमारे शत्रु हमसे ज्यादा ईमानदार है। इस बात के लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे खजपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे किसी के, वो हमसे ज्यादा ईमानदार है। अगर उनको मनुस्मृति लागू करना है, उनको वर्ण व्यवस्था लागू करना है, उनको दलितों को मारना है, उनको मुसलमानों को भगाना है, तो इसके लिए ईमानदारी से 70 साल से काम करना। हम लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं की, हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले शिशु विहार नहीं बनाया, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर बनाया, उनके लीडर वहां से पैदा हुए, लीडर शिक्षण संस्थाओं से पैदा हुए, वो अपने लिए नहीं जीते, आने वाली पीढ़ी के लिए जीते। हम लोग क्या करते हैं, सब मुझे ही मिल जाए, सब नहीं क्रांति कर दिया। लोग क्या बात है, तो ¡Vamos a ver!
संस्थाओं की हत्या शुरू कर दी गई, नब्बे से उठा कर दे। जिस समय से लगा कि आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना शुरू हो गई। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको समझना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक देखिए, हमें कोई एमएलए भी हम सबको बदनाम नहीं है, मुझे ना पहले से पूछिए कि जो मुद्दे हमारे हैं, अगर तुम नहीं अगर इसको रिजॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो नेता को टिकट देने से नहीं बनता है। नेता बनता है समाज के आंदोलन से, नेता बनता है। और इसमें आने वाले समय में समाज से सैकड़ों नेता पैदा कर देंगे। हमें एक का शिकार नहीं चाहिए, हमें सैकड़ों का शिकार चाहिए। हमें एक डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, इस समय जितना आघात है हमको सैकड़ों डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है हमारे तैयार होगी। साथियों, हम लोग ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया है। हम लोग देखते हैं, हम लोग तो 20 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। भारत का सबसे एलीट समाज को देख लिया और देखने के बाद लगता है कि कितने बैंक्रप्ट हमारे लोगों के बीच में है। वैसे लोग जिसने एक सुई नहीं बनाई वो हमसे मेरिट का सर्टिफिकेट मांगता है। वैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की वो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। मैंने कहा एक सवाल, ये भाई साहब ऐसा है, ये आपको पच उठ नहीं रहा, बाबा सत्ता आपको पच नहीं रहा। मुसलमानों ने इस देश में 672 वर्ष शासन किया, पेट जोड़ी थी। और 672 वर्ष में जो आपकी पेट पे चर्बी है और इधर है, इधर जो सफेद लाल हो रहा है, मुसलमानों से अनुदान नहीं मिले रहते तो तुम्हारे मठ मंदिर नहीं रहते, है ना। काजू पर भी काजू खाए थे उनसे भी लेकर, अगर सिर्फ तलवार के बल पर शासन किया जाना होता तो मुझे लगता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला थोड़ी होता, नाम अब्दुल्ला होता, भारत ही इस्लामिक कंट्री होता। बात कहने का यह है कि आपको पावर मिल गया, आप बच नहीं रहा है। आप जिसको मुसलमान को पीट रहे हैं, गौ हत्या के नाम पे और कामवंच के नाम पे दलित को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, तो पावर को बचाइए। देश बहुत आबादी है, यहाँ विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के लोग हजारों साल से रहते रहे। ये देश आपकी आपकी जागीर नहीं है, आपके पिताजी का रजिस्टर कराया हुआ नहीं। देश हम सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना ब्राह्मण का है उतना ही दलित का है। इस देश में हम सिर्फ आरक्षण नहीं लेंगे, इस देश में चप्पे चप्पे में हर संसाधन में हिस्सेदारी की लड़ाई जब आप लड़ेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आरक्षण खाली लड़ेंगे तो आपको नहीं, तब आपके मजदूर कहां से रहेंगे। हमारी लड़ाई ये नहीं कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन जरूरी है उसकी ब्योर भी बात है। जिस दिन हमारे जो मोदी अंचल जो जूता पॉलिश करते हैं, जिस दिन उसको पैसे दो इज्जत से देना कि अंकल पैसे लीजिए। सम्मान आत्म सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सबसे ज्यादा है। डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हम लोग हैं तो जाके डॉक्टर अम्बेडकर को बार बार पढ़ना चाहिए, उनके राइटिंग्स में बात बार बार हम याद है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि नथिंग इज मोर डिस्ग्रेस